please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. डिजिटल होगा मसूरी देहरादून की जमीन का सारा रिकॉर्ड। मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी जमीन उपयोग रिकॉर्ड डिजिटल करने जा रही है। इससे आम लोगों तक सारी जानकारी बिना किसी रुकावट के पहुंच सकेगी और सारी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। केंद्र सरकार कर सकती है पीएमएवाई में बदलाव। केंद्र सरकार जल्द प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के नियमों में बदलाव कर सकती है। पीएमएवाई में बदलाव इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए होंगे। योजना को इस तरीके से बदला जाएगा कि उसमें गांव, शहर, औद्योगिक बेल्ट जैसी हर जगह के लोग इसमें आ जाएं और इस योजना से फायदा उठा सकें। डीएमआरसी को देना पड़ सकता है प्रॉपर्टी टैक्स। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अभी केवल 5% सर्विस टैक्स देती है। डीएमआरसी को जल्दी पूर्व दिल्ली नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ सकता है। ईडीएमआरसी ने 2011 के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जो मेट्रो कॉरपोरेशन को प्रॉपर्टी टैक्स देने से बचाता था। डीडीए का सन 1981 का प्रोजेक्ट अभी तक सरकार ने पास नहीं किया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 14,000 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट सन 1981 में लॉन्च किया था। ये सारे प्लॉट रोहिणी में है। डीडीए ने प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप पुरी के पास भेज दिया है। जमीन के मालिक 3 दशकों से कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। देहरादून के बाद अब महाराष्ट्र भी करेगा जमीन की जानकारी ऑनलाइन। महाराष्ट्र में जिस भी जमीन पर 30 साल से या उससे ज्यादा समय से विवाद चल रहा है उन सभी जमीनों की जानकारी ऑनलाइन होगी। खरीदारों की मदद के लिए उठाया सरकार ने ये कदम।